सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोस पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो पबजी मोबाइल का जो इंडियन वर्सन का जो गेम है, ठीक है, जिसको BGMI बोलते हैं, तो उस गेम को कैसे डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसका तरीका मैं आप लोगों को आज की इस वीडियोज़ पर लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियोज़ को पूरा कम्प्लीट देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली अपने फ़ोन के अंदर जो प्ले स्टोर है, उस प्ले स्टोर को सिंपली ओपन कर लीजिए। एंड ओपन करने के बाद सिंपली आप सबसे पहले पबजी सर्च कर लीजिए। एंड पबजी सर्च करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका बैटल ग्राउंड का जो गेम है, ठीक है, वो देखने के मिल जाएगा। सबसे पहला वाला जो कि यहाँ पर एक लोगो देखने मिल रहा है, उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक इंस्टॉल बोल के एक ऑप्शन देखने के मिल जाएगा इस बीच में। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आप भी सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उस गेम का जो फाइल का साइज़ है, वो यहाँ पर लगभग 800 MB का यहाँ पर आपका इंटरनेट खर्चा होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस गेम को डाउनलोड करने के बाद आप लोग फिर से उस गेम को अपने फ़ोन के अंदर मैनुअली ओपन करके अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर प्ले करने का एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस प्ले वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपका जो गेम है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम्प्लीट ओपन नहीं होने वाला है, इसको फिर से आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना पड़ सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से कुछ इंटरफेस अभी आप लोग देखने के मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्राफ्टर नाम पर, ठीक है, तो ये है उस गेम का कंपनी का नाम। एंड यहाँ पर देख सकते हो अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तो अभी यहाँ पर कुछ सेकंड आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो अभी फाइनली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स, मतलब यहाँ पर अभी यहाँ पर उस गेम को आप लोगों को मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिल रहा है, जिसका फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो लो है, वो यहाँ पर पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिसका फ़ोन यहाँ पर काफ़ी हाई कॉन्फिगरेशन है, तो वो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा फ़ोन का जो कॉन्फिगरेशन है वो थोड़ा सा लो है, तो इसलिए जो पहले वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो अपडेटिंग डाउनलोड लिस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका जो गेम है, उस गेम को अभी मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपका जो गेम है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो पर लाइव प्रूफ के साथ ओपन करके दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी यहाँ पर देख सकते जो फाइल है वो अभी यहाँ पर 471 MB, मतलब 471.9 MB का ये जो फाइल है वो यहाँ पर अपडेट होने वाला है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो अपडेट यहाँ पर चालू हो चुका है। ये अपडेट कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका गेम है वो कंप्लीट यहाँ पर ओपन होने वाला है। मतलब ये फाइल अपडेट कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग कोई भी एक ईमेल आईडी या फिर जो फेसबुक आईडी है उसको यहाँ पर दे के लॉग इन करके उस गेम को प्ले करना होगा। वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ देखने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी इस गेम को अपने फ़ोन के अंदर खेलने के लिए आप लोग यहाँ पे ट्विटर या फिर जो फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, तो उस फेसबुक अकाउंट को डाल के यहाँ से लॉगिन करके खेल सकते हो। तो मैं मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन विद फेसबुक बोल के एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोग को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप लोग बताता हूँ, जिस फेसबुक आईडी से उस गेम को लॉगिन करना चाहते हैं तो उस फेसबुक अकाउंट को पहले से अपने मोबाइल फ़ोन का जो अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके रखना होगा, तो आपका इस गेम के अंदर आईडी लॉगिन नहीं होने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो उसके ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद जो मेरा यहाँ पर ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के अंदर लॉगिन मतलब रिडायरेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली उसके ऊपर एक बार सिर्फ आप लोग पड़ेगा। उसके बाद आपका जो गेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो कंपेलिंग रिसोर्सेस, ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये गेम मेरा फ़ोन के अंदर चालू होने वाला है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड वेट करना पड़ सकता है। तो अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कंपेलिंग रिसोर्स 100% कम्प्लीट हो चुका है। अभी फाइनली ये जो गेम है वो ओपन होने वाला है, ठीक है। तो अभी फाइनली जो गेम है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है, तो मैं आप लोग लाइव थोड़ा सा खेल के दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। एंड यहाँ पर देख सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एंड यहाँ पर लोडिंग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ 1.9
9 वर्जन का जो न्यू अपडेट आया था वो भी उसके साथ साथ आप लोगों को अपडेट देखने के मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग सब कुछ दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो तो कलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो सिंपली इसको मैं सिंपली एक बार कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिंपली इसको ओके कर देता हूँ एंड यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो तो ये मेरा पुराना अकाउंट है एंड यहाँ पर वापस सब कुछ यहाँ पर देखने के मिल जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से बहुत आसानी से ये जो आपका पबजी मोबाइल का जो गेम है उस गेम को बहुत आसानी से अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके खेल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ड्रेस वगैरह एंड तो अभी यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप सिंपली एक बार इस गेम को मैं ओपन करके मैं आप लोग देख जाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली उसके बाद एक बार आप लोगों को क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मैचिंग होने वाला है, उसके बाद आपका जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस गेम को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करके बहुत आसानी से खेल सकते हो।